जी क्या कुछ कहना चाहेंगे उस लड़ाई से? आप देखिए बहुत सारी लड़ाई हुई हैं, आप बताइए कौन सी लड़ाई की बात कर रही हैं। जो अर्चना नेहरू जो पानी फेंका था मेन उस इंसिडेंट की, और उन्होंने कुछ पर्सनल अटैक्स भी किए जी। थे तो उस देखिए मुझे बहुत बुरा ये लगा कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उससे दो इज्जत की या प्यार की या सच्चाई की बातें कर सकें। और मैंने बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेट पे ये सोचा कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है और उसे ऐसी बात बता दी कि जो जिसका उसने बाद में सिर्फ एक्सप्लॉयट नहीं किया, उसको कर्स किया मुझे। और वो पर पता नहीं मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम। मैं हंस के मैंने कोशिश की कि वो चुप हो जाए और लाउड होकर, बट जब बैठा तो मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है, मतलब ये इसकी कोई हद नहीं है। आप हर बार सोचे कि इतनी घटिया हुई है, इतना नीचे गई है, पर वो अगली बार और भी ज़्यादा नीचे जाकर दिखाती है कि वो अंदर से कैसी इंसान है। तो उस पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये तो इस इंसान के साथ मैं अब एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और इसीलिए उसके बाद मैंने वो जब उनका एक पैटर्न है, वो ऐसे गंदगी करती हैं और फिर जब वीकेंड का वार हो रहा होता है, वार आ रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी क्लास लगेगी, इसलिए जाकर सॉरी बोल देती हैं सबको। ये पैटर्न है, आप सबके साथ नोटिस कीजिएगा, वो सबके साथ करती हैं। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ, आप अभी जो झूठा सॉरी बोल रही हैं मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लूँ, बट अगर आप जाके दोबारा करके फिर सॉरी बोलेंगी तो क्या फ़ायदा है, तो आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। जी किस किस तरह से? देखिए ऐसा नहीं है कि मैं प्री मेडिटेट करके जाता, और मैं बहुत ही जब गया भी था तो ओपन माइंडेड से गया था। हाँ एज अ वाइल्ड कार्ड आपको बहुत सारों के बिहेवियरल पैटर्न पता लग जाते हैं, उनकी गेम थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बट फिर भी मैं बहुत ओपन माइंड से गया था कि जिसके साथ जैसा कनेक्ट होगा, जैसी ट्यूनिंग होगी वैसा ही करूँगा। तो हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर और बिकॉज मराठी में किया, तब भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ, मैंने कहा क्यों तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले दो हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ, पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था, उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बाद में ने कही भी नहीं उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सब ने देख लिया रहने दो। और फिर वो अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। तो फिर दोबारा से जब उसने ये चीज़ अर्चना के सामने भी की कि हाँ अरे तू तो बहन है मेरी, जब शिव साजिद जी उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार तू कितना झूठा इंसान है यार। और तब भी मैंने ये नहीं कहा अर्चना को कि देख ये सच्चाई है, मुझे ये नहीं था कि मैंने ना ही पास के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में गया। मुझे लगा कि अगर एक इंसान कहता है कि उसके लिए ये बिग बॉस का जो मंच है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है और ऑलमोस्ट पूजा है उसने, ये उसको शिद्दत से मांगा है, तो उसके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब उसने काटा और उसको एवेक्ट हो रहा था, तो किसी ने उस पर तरस खा के या अपनी अच्छे दिल की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से उसको एवेक्ट होने से बचा लिया। पर इसने तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ वो इंस्टेंस हुआ, उसने उसको बकायदा प्लॉट किया उस इंस्टेंस को अर्चना के अगेंस्ट, जैसे सलमान सर ने भी कहा था। और वो प्लॉट करने के बाद जब वो उस मुद्दे पे पहुंचा और जैसे ऐसे करके कर कर कर, और फिर जब आया टाइम उसका डिसीजन लेने का, तो उसने फिर भोली शक्ल से बोला नहीं सर कर दीजिए, नहीं तो ये बाकी सब भी गलत करेंगे। अरे तुम इससे भी ज़्यादा गलत करते आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो इतनी इंसानियत तो रखो कि उसके लिए भी क्या मायने रख सकती है, गेम है, हर कोई वहाँ जीतने आया तो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ऐसा करना चाह रहे हो? हाँ अगर जस्टिफाइड रीज़न हो, तुमने जो किया उससे बुरा हो तो ज़रूर करो, बट तुमने जो किया वो उसके आगे कुछ है ही नहीं और तुम्हें किसी ने माफ़ कर दिया और तुम ऐसे दिखा रहे हो। और फिर जब सलमान सर और बिग बॉस अर्चना को वापस ले आए तो कैसे वो दुबक के बैठ गया था, और आप ध्यान देखेंगे तो उसका नकाब उतरता है। ऐसे इंस्टेंसेस में बहुत बार उसकी सच्चाई दिखती है, और जो वो भोला नकाब पहन के दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तो बहुत सच्चा हूँ, कॉमन में से हूँ और सबके सबके में ही हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, ये सब उसका एक जो ढोंग है वो धीरे धीरे सामने आता है, जैसे वो उस दिन भी आया सामने जब उसने कोशिश की। ऐसे ही करके वो अगर आप कोई भी मुद्दे में देखेंगे तो वो
किसी को बात पूरी नहीं करने देता है, वो ऊंचा जा करके हाँ पता लग गया ऐसे कर लिया, देख लिया ऑडियंस ने देख लिया, जान जान के ऐसे दिखाता है ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था वो, देख ये बात मुझे लगता है आपका अपना दिमाग है, आपको जैसे डील करना है उससे कीजिए, नहीं भी करना है तो आप अपने जहन में रखिए उसको, ऑब्जर्व कीजिए, और जो उनको सही लगा उन्होंने किया। अगर मुझे उसको टारगेट करना होता तो मैं तो बेवकूफ़ होता कि उसको पता भी लगने देता कि मुझे ये पता है।